नमस्कार बच्चों, हमारी UVR क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले टर्म पर हम लोगों ने देखे थे फिनॉल के रासायनिक गुण में, और उस रासायनिक गुण में हम लोग देखे थे हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं, हाइड्रोक्सिल OH समूह पर क्या क्या घटित होने वाली अभिक्रियाएं थे इनके बारे में देखे थे। आज हम लोग देखते हैं कि रिंग के ऊपर, इस फिनॉल रिंग के ऊपर कौन कौन सी अभिक्रियाएँ होंगी, इस रिंग के ऊपर होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं रिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेंगे, बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें हेडिंग हो जाएगा बेंजीन रिंग, बेंजीन, इसमें बनाएंगे बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन, बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बेंजीन रिंग की क्या क्या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, इसमें सबसे पहले हम एक एक को करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम हैलोजनीकरण को देखते हैं। नंबर एक इसमें हो जाएगा क्या, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। ध्यान से देखना, एकदम आसान है, चार पांच ये हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, ये सब थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा कुछ कठिन वाले भी हैं। हैलोजनीकरण, जब हम फिनॉल को क्या करते हैं, निम्न ताप पर CH2 की प्रेजेंस में, CH2 एक अध्रुवी विलायक होता है, इनकी उपस्थिति में हम अभिक्रिया कराते हैं ब्रोमीन के साथ। तो जब ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है। देखना इधर, जो हमारा फिनॉल है, ये फिनॉल हो गया है, इस फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन के साथ, इस फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन के साथ, और इस ब्रोमीन को कार्बन CH2 की प्रेजेंस में, CH2 है क्या, एक अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में जब हम कराते हैं, जब हम अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में कराएंगे, तो इसके पिछले टर्न पे हम लोग, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि जो रिंग पे अभिक्रियाएं होंगी, यह रिंग पे अभिक्रियाएं या तो आर्थो पोजीशन पर होती हैं या तो पैरा पोजीशन पर होती हैं, इन्हीं दोनों पोजीशन पर ही अभिक्रियाएं होती हैं। तो जब इनसे हम अभिक्रिया कराते हैं, तो ये हमारा आर्थो पोजीशन हो गया है, इस पर कुछ एक हाइड्रोजन लगा है, ये हमारा आर्थो पोजीशन हो गया, इस पर एक हाइड्रोजन लगा है, तो यहाँ से Br2 की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगा, तो ये ब्रोमीन एक बार आर्थो पे अभिक्रिया बनाएगा, ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन करेगा, और एक बार पैरा पे। तो यहाँ से हम बना सकते हैं, ये हमारा फिनॉल हो गया, एक बार क्या बना लिया, आर्थो ब्रोमोफिनॉल बनाएगा, और एक बार क्या बनाएगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल बनाएगा। तो हम दोनों को लिख देंगे, आर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल, यहाँ से लिख सकते हैं जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, आर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा, ब्रोमोफिनॉल, आर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। इसको हम ए नंबर दे देंगे, हैलोजनीकरण में इसको ए नंबर देंगे। ए नंबर में फिनॉल की क्रिया को Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ, अध्रुवी विलायक CH2 की प्रेजेंस में कराएंगे, तो आर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल का निर्माण होगा। इसी में हम बी नंबर देखते हैं, इसी में हम बी नंबर देखेंगे, जब हम फिनॉल की क्रिया को, इस फिनॉल की क्रिया को किसके साथ कराते हैं, किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन की अधिकता में, क्या कराएंगे, फिनॉल की क्रिया को ब्रोमीन की अधिकता में कराते हैं, ब्रोमीन की अधिकता या ब्रोमीन वाटर के साथ, ऐसे भी लिख दें, ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, तो यहाँ से हमारा आर्थो पैरा यानी ये हमारा फिनॉल हो गया, इस फिनॉल पर यहाँ ब्रोमीन लगा और यहाँ ब्रोमीन लगा। इसका मतलब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 2 4 6, 2 4 6 क्या बनाएगा, ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन करेगा, तो 2 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ऐसे करेंगे 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ब्रोमोफिनॉल का निर्माण किया है।
इसी में दोनों अभिक्रियाएं हैं। पहला था जब ब्रोमीन के साथ कराएंगे CH2 की प्रेजेंस में अध्रुवी विलायक में, तो आर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल बनाएगा। दूसरा है फिनॉल की अभिक्रिया को जब ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे या ब्रोमीन की अधिकता में कराते हैं, ये क्या करता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का निर्माण करेगा। तो ये हो गया हमारा ब्रोमीन हैलोजनीकरण। अब इसी में हम बात करते हैं, नोट कर लेना, नोट करना हो तो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, तीनों हाइड्रोजन टूटा था, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं हैलोजनीकरण के बाद हम लोग देखेंगे सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में H2SO4 की बात करेंगे। चलो देखना, नंबर दो की बात करेंगे, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा है सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण के बारे में, सल्फोनीकरण के बारे में देखेंगे। ये हमारा क्या बन गया, फिनॉल बन गया, ये हमारा फिनॉल बन गया। चलो सुनो, जब हम फिनॉल की क्रिया को सांद्र, ये हमारा कैसा होगा, कॉन्सनट्रेटेड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से जब कराएंगे तो यही सल्फ्यूरिक अम्ल ये OH में और क्या हो जाएगा SO3H में, इसमें टूट जाता है। जब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन है हमारे पास, ये हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन टूटा, इनके साथ ये क्या बना लेगा, HOH के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और जब HOH के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दो प्रोडक्ट, एक आर्थो पोजीशन वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा और एक हमारा पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जिसे हम कहेंगे आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी, आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। सल्फोनीकरण में क्या था, फिनॉल की क्रिया को सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं। जब सांद्र H2SO4 के साथ कराएंगे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और हमारे पास दो प्रोडक्ट आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड बनता है। तीसरे की तरफ चलते हैं, नोट कर लेना इसे, तीसरे की तरफ चलते हैं नाइट्रीकरण। देखना भाई, तीसरे की तरफ नाइट्रीकरण, तो तीसरी हेडिंग हम बनाएंगे, यहीं पर बना लेते हैं, ये नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में HNO3 से। नाइट्रीकरण में जब हम क्या करेंगे, ये फिनॉल हो गया, इस फिनॉल की क्रिया को, फिनॉल की क्रिया को तनु HNO3, इस फिनॉल की क्रिया को तनु HNO3 या कह दें तनु ठंडा, या ठंडा, इसको ठंडा भी लिख सकते हैं ऐसे, ठंडा तनु HNO3, ठीक। तो इसकी क्रिया को ठंडा तनु HNO3 के साथ कराएंगे तो ये क्या होगा, इसमें क्या करते हैं OH और ये NO2 के फॉर्म में टूटता है। तो जब फिनॉल की क्रिया को ठंडा तन HNO3 के साथ 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी लिख लेना, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो ये आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये दो चीज़ों का फॉर्मेशन करेगा, एक हमारा आर्थो और एक हमारा पैरा, आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाता है NO2, यहाँ NO2, आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाएगा, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो ये हो गया नाइट्रीकरण। अब इसी में फिनॉल से यदि हमें पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल का मतलब 2,4,6
ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाना होगा। पिक्रिक अम्ल एक हमारा क्या है, विस्फोटक पदार्थ होता है, यह प्रबल अम्ल भी है और यह येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, यह पीले रंग के क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं और उसके बाद ये स्वाद में कड़वे होते हैं और इनका उपयोग डाई बनाने में किया जाता है। इतने यूज़ थे पिक्रिक अम्ल का, क्या क्या यूज़ था, विस्फोटक हो गया, प्रबल अम्ल हो गया, स्वाद में कड़वे हो गए और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, डाई बनाने में यूज़ होता है। और इनको बनाते कैसे हैं, तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए सबसे पहले हम फिनॉल का सल्फोनीकरण कराएंगे और जब सल्फोनीकरण कराते हैं फिर सल्फोनीकरण कराने के बाद उसका नाइट्रीकरण कराते हैं तो जिससे हमारा पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसको अगर हम ए लिख दिए, बी नंबर में कैसे लिखेंगे, फिनॉल का सल्फोनीकरण के पश्चात नाइट्रीकरण कराने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल बनता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल बनता है। देखना, ये हमारा था फिनॉल है, ये OH है, इस फिनॉल का हम क्या करा दिए, H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में सल्फोनीकरण कराएंगे। इस सल्फोनीकरण में हमारा क्या बन गया था, आर्थो एंड पैरा सल्फोनिक एसिड बना था, हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड बना था। इसका फिर से हम नाइट्रीकरण करा देंगे HNO3 के द्वारा, ये फॉर्मेशन क्या कर लेगा, यह पिक्रिक अम्ल बना लेगा। पिक्रिक अम्ल NO2 समूह यहाँ लग जाएगा, NO2 समूह यहाँ लग जाएगा और NO2 समूह यहाँ लग जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, पिक्रिक अम्ल। और यह पिक्रिक अम्ल किस तरह से होते हैं, पिक्रिक अम्ल के बारे में यहाँ लिख देते हैं, ये पिक्रिक अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होंगे और येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, ये विस्फोटक पदार्थ में होता है, इनका यूज़ डाई बनाने में। इतने यूज़ हो गए किसका, पिक्रिक अम्ल का। तो यहाँ से हम नोट कर लेंगे, फिनॉल का हम H2SO4 के द्वारा सल्फोनीकरण कराए हैं और इस सल्फोनीकरण के द्वारा इसका नाइट्रीकरण कराए हैं और इस नाइट्रीकरण से हमें क्या मिल गया है, पिक्रिक अम्ल का फॉर्मेशन हुआ। तो इसको नोट कर लेना। चलो अगले पे हम चलते हैं। अगला नंबर पे हम आएंगे जिसमें हम फ्रीडल क्राफ्ट के बारे में देखते हैं। इसको पहले मिटा दें, फिर तीन हो गया था, चौथे की तरफ चलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। इस फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्या है। इसमें देखेंगे ए नंबर, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण।
फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में जब हम क्या करेंगे, जब हम फिनॉल की क्रिया को CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे, जब हम क्या करेंगे फिनॉल की क्रिया CH3Cl मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 के साथ कराते हैं, तो जब निर्जल AlCl3 के साथ कराएंगे हमारा फॉर्मेशन होगा, देखना फॉर्मेशन किस तरह से होगा। ये हमारा OH है, ये OH है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इस वाले बॉन्ड को रिंग पर दिखाने वाली अभिक्रिया है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इस वाले हाइड्रोजन को तोड़ते हैं, और जब इस वाले हाइड्रोजन को तोड़ेंगे और ये HCl है मिल करके HCl के फॉर्म में बाहर जाएगा, CH3 इसकी तरह आएगा, ये हाइड्रोजन तोड़ेंगे HCl बाहर जाएगा, CH3 इस पर आएगा, फिर फॉर्मेशन क्या करेगा, ये CH3 का फॉर्मेशन कर लिया, और इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिसाल बोलते हैं, और ये आर्थो एंड पैरा दोनों तरह से क्रिसाल का फॉर्मेशन करेगा। तो आर्थो एंड पैरा बनाने के लिए हम यहाँ पर एक CH3 और लगा दें, इसी में लिखते हैं आर्थो एंड पैरा क्रिसाल, आर्थो एंड पैरा क्रिसाल। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में फिनॉल की क्रिया CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे, तो आर्थो एंड पैरा क्रिसाल का फॉर्मेशन होगा। इसे में बी नंबर देखते हैं, पहला था फिनॉल फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, अब बात आती है एसिलीकरण की, बात आती है एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। इसमें करेंगे फिनॉल की क्रिया को हम CH3COCl के साथ कराएंगे, ये फिनॉल हो गया, इसकी क्रिया हम किसके साथ CH3COCl के साथ कराएंगे। जब फिनॉल की क्रिया CH3COCl और सेम यही था निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, किसके निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे, तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से, ये हाइड्रोजन टूटा है Cl के साथ, ये हाइड्रोजन टूटेगा Cl के साथ, HCl बाहर हो जाएगा, इसमें बनाएगा आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल का फॉर्मेशन। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आया है क्वेश्चन, इसमें बना लेगा, ये हमारा CO है, CH3 है, ये दोनों तरफ बनाएगा CO और CH3, इसे क्या बोलेंगे, आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी, आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन का फॉर्मेशन किया। ये हमारा हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। अब हम अगली पर बात आते हैं, अगला अभिक्रिया है कोलबे अभिक्रिया, नोट कर लेना इसे, चलो अगली अभिक्रिया की बात आती है। जहाँ ना लिख पाना वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लेना, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अगली अभिक्रिया हमारी है कोलबे अभिक्रिया। कोलबे अभिक्रिया जब हम क्या करें, कोलबे अभिक्रिया में सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप और 4 से 7 ATM दाब पर जब हम गर्म करेंगे तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है, और उस सोडियम सैलिसिलेट को तनु HCl के साथ रिएक्ट कराने पर सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मेशन होगा। देखना कैसे, यह हमारा सोडियम फिनॉक्साइड हो गया, और इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बोलें अभी 125 डिग्री सेल्सियस और 4 से 7 एटमॉस्फेरिक दाब ATM पर क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मेशन हमारा यहाँ से हो जाएगा,
या तो यहाँ बनाना या तो यहाँ बनाना, दोनों सिमिलर है। या तो यहाँ ओ एन ए, या तो यहाँ कर सकते हो या तो यहाँ कर सकते हो, दोनों सेम चीज़ें हैं। यहाँ से फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ओ एच हो जाएगा और सी डबल ओ एन ए होगा। और जब इसकी क्रिया फिर से एच सी एल के साथ कराएंगे, तनु एच सी एल, ये फॉर्मेशन क्या कर लेगा, फॉर्मेशन हो जाएगा ओ एच सी डबल ओ एच। ठीक, तो देखना फिर से, फिनॉल है, फिनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप, 4 से 7 एटमॉस्फेरिक दाब पर अभिक्रिया कराएंगे। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। लिख दें इसको, क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलेट का फॉर्मेशन होगा। और फिर से इस सोडियम सैलिसिलेट को तनु HCl के साथ अभिकृत करने पर फॉर्मेशन होगा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होगा। यहाँ से लिख लेना इसे, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होगा। ठीक, अब बात आती, इसको नोट कर लेना। फिर अगली अभिक्रिया, ये इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक, अगली अभिक्रिया है, इम्पॉर्टेंट है, राइमर टीमन अभिक्रिया। चलो देखना, अगली अभिक्रिया है राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया, इसमें देखना, इसमें क्या है, जो फिनॉल है, फिनॉल को CHCl3 के साथ और NaOH के साथ, फिनॉल को CHCl3 क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम गर्म करते हैं, तो एक हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बनेगा, उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को NaOH के साथ और HCl के साथ अभिकृत करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। फिर से देखना, फिनॉल हो गया, ये इसकी क्रिया किसके साथ, CHCl3, और हम किसके साथ, NaOH के साथ कराते हैं। जब हम CHCl3 और NaOH के साथ कराएंगे, टर्म कंडीशन क्या था, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कराने पर, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करा के करते हैं, तो हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये बन गया CHCl2, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम फिर से अभिकृत करते हैं NaOH और HCl के साथ। जब इसको NaOH और HCl के साथ अभिकृत करते हैं, तो सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से एल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये क्या बना लेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड, ये बन गया। इसे क्या बोलेंगे, नाम लिख लेना, क्या बना है, सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। ए नंबर बना देना, इसी में बी नंबर है। बी नंबर में क्या बोला गया है, कि जब हम इस फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH के साथ, चलो 6 मॉलिक्यूल ले लिए, जब इस फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिकृत करते हैं, हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया है। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम फिर से पुनः HCl के साथ अभिकृत करेंगे। जब हम पुनः इसको HCl के साथ अभिकृत करते हैं, तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। जब पुनः इसके साथ HCl के साथ अभिकृत करेंगे, तो ये हमारा क्या बना लेगा, सैलिसिलिक एसिड। ये क्या है, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होगा। तो यहाँ से हो गया राइमर टीमन अभिक्रिया। ये इम्पॉर्टेंट है, इस अभिक्रिया की
मैकेनिज़्म एग्ज़ाम में नहीं लगभग नहीं पूछा जाता है। यदि जानकारी के लिए चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो किसी भी वीडियो में हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम अभिक्रिया के मैकेनिज़्म को बता करके अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से देख लेना। ठीक, चलो। ये हमारा हो गया राइमर टीमन अभिक्रिया। अगले अभिक्रिया की बात करते हैं, गाटरमान अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया की बात करते हैं गाटरमान अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया इसमें क्या है, जब हम फिनॉल की क्रिया को HCl और HCN के मिश्रण के साथ कराते हैं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो जो हमारा बना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा उसको H2O के साथ अपघटित कराएंगे, तो वहाँ से हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। फिर से देखना, यहाँ पर फिनॉल की क्रिया किसके साथ होती है, HCl और HCN के मिश्रण के साथ। जब फिनॉल की क्रिया को HCl और HCN के मिश्रण, सबसे पहले तो हम HCl और HCN के मिश्रण को बनाते हैं, HCl और HCN के मिश्रण को निर्जल AlCl3 पर जब इसको रिएक्ट कराते हैं, ये फॉर्मेशन करेगा NH HN डबल बॉन्ड CHCl। ये इसका फॉर्मेशन करते हैं। इसका फॉर्मेशन ये कब करता है, जब इसको हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे। तो ये तो हमारा बन गया क्या, HCl और HCN का मिश्रण। इसी मिश्रण की क्रिया को हम किसके साथ करा दें, फिनॉल के साथ करा दें। इसी मिश्रण की क्रिया किसके साथ हम करा दें, फिनॉल के साथ कराएंगे। ये HN डबल बॉन्ड CHCl, ये NH CHCl, इनके साथ जब हम कराते हैं तो यहाँ से ये वाला H टूटेगा और ये वाला Cl टूटेगा। जब ये H और ये Cl टूटा तो HCl के फॉर्म में बाहर जाएगा और ये वाला कार्बन इसकी तरफ क्या कर जाएगा, अटैक करेगा। और जब यह कार्बन इसकी तरफ अटैक करेगा तो फॉर्मेशन क्या कर लेगा, देखना। ये हमारा OH था, यहाँ पर ये वाला कार्बन इसकी तरफ अटैक करेगा, CH डबल बॉन्ड NH बनाया है। इसका जब हम जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन H2O की प्रेजेंस में या HOH की प्रेजेंस में, तो ये वाले बंध को तोड़ेंगे। और जब इसका ये वाले बंध को तोड़ते हैं तो यहाँ से हमारा दो हाइड्रोजन इधर की तरफ NH3 के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ऑक्सीजन को इधर की तरफ CHO के फॉर्म में ये जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये फॉर्मेशन क्या कर लेगा, ये इधर हो जाएगा क्या हमारा CHO और इधर हो जाएगा OH है। यहाँ से NH3 के फॉर्म में बाहर की तरफ रिमूव हो जाएंगे। फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। इसे क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होगा। तो ये हमारी थी गाटरमान अभिक्रिया। ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लेना। कैसे था कि फिनॉल की क्रिया को HCl और HCN के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे, तो जब हम HCl और HCN को यहाँ सीधा सीधा रख के भी करा सकते हैं, इसके मिश्रण को यहाँ पर बना करके फिर से इसके साथ करा सकते हैं। तो ये हमारा मिश्रण हो गया और इस पे H रिएक्ट किया Cl के साथ, HCl के फॉर्म में बाहर जाएगा और यहाँ से CH इसकी तरफ अटैक करके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को HOH के साथ जल अपघटन कराएंगे, ये बॉन्ड टूटा, NH3 के फॉर्म में बाहर निकलेगा। और जब NH3 के फॉर्म में बाहर निकलेगा, यहाँ पर CHOaldehyde समूह आकर के जुड़ जाएगा। तो ये थी हमारी गाटरमान अभिक्रिया। चलो, एक हमारे पास है बैकेलाइट का निर्माण देखना है। चलो,
इसको मिटा दें पहले, बेकेलाइट का निर्माण या फिर लेडरर अभिक्रिया के नाम से है, बेकेलाइट का निर्माण या फिर लेडरर अभिक्रिया, लेडरर अभिक्रिया या फिर बेकेलाइट। बेकेलाइट का निर्माण, बेकेलाइट का निर्माण, बेकेलाइट एक प्लास्टिक है और ये जो बिजली के सामान बनाए जाते हैं उस बिजली के सामान में इनका यूज़ होता है। जैसे बिजली में बल्ब होल्डर इन ये सब बन रहे हैं, होल्डर होल्डर बन रहा है, होल्डर प्लास्टिक का है तो ये बनाए जाते हैं। जिसको जितना हीट दिया जाता है ये उतने ही क्या होते हैं, हार्डनेस को बनते हैं, हार्डनेस की तरफ बढ़ते हैं। तो बेकेलाइट को ये क्या करते हैं, इसको जितना हीट देते हैं यह उतना ही हार्ड होता रहता है। तो बेकेलाइट का यूज़ कहाँ करते हैं, बिजली के सामान बनाने में, बिजली के सामान। और बिजली के सामान यह एक प्रकार का क्या होता है, बेकेलाइट यह प्लास्टिक है, ये क्या है, प्लास्टिक है। ठीक, इस बेकेलाइट का निर्माण, इस बेकेलाइट के निर्माणों की तरफ हम देखेंगे। जब हम फिनॉल की क्रिया को फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो बेकेलाइट बनता है। किस तरह से बनता है देखना, इधर फिनॉल हो गया, इसकी क्रिया HCHO के साथ कराएंगे तो बेकेलाइट का फॉर्मेशन होगा। इसको बनाने के लिए यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा चलो देखना, ये हमारा फिनॉल हो गया है। फिनॉल इसकी क्रिया को HCHO के साथ, तो फिनॉल के हम चार मॉलिक्यूल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल ये हो गया है, एक मॉलिक्यूल ये हो गया है, इधर एक मॉलिक्यूल लेते हैं और इधर एक मॉलिक्यूल लेते हैं। फिनॉल के चार मॉलिक्यूल लेते हैं, इन चारों की क्रिया को चार CHO के साथ कराएंगे। इस HCHO को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड O के फॉर्म में, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड O। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये हमारा क्या है CH2 है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। यहाँ पर चलो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इधर की तरफ एक हाइड्रोजन है और ये हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये CH2 है। ठीक, ये हमारे इसके पास एक हाइड्रोजन है क्योंकि ये अर्थो है और ये पैरा है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इनके बीच में भी वही कंडीशन है CH2 ये ऑक्सीजन, इधर की तरफ एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी वही कंडीशन है सी डबल बॉन्ड ओ और ये CH2। होगा क्या कि जब ये H टूटा और इस O के साथ मिल करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा और बाकी ये वाले बॉन्ड इनके साथ मिल जाएगा, ये वाला इधर की तरफ अटैच हो जाएगा, इधर H टूटा और ये H टूटेंगे, ये H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ये H टूटेगा इधर H2O के फॉर्म में ये बाहर की तरफ जाएंगे, इधर से ये H टूट करके ये H2O के फॉर्म में बाहर की तरफ जाएगा। यानी एक मॉलिक्यूल, दो इधर, तीन इधर, चार इधर, चार वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब ये चार मॉलिक्यूल H2O बनाएगा कितना हो गया, चार H2O बाहर की तरफ जाएगा, बच क्या रहा है, फिर से यही चार रिंग बचा है, ध्यान देना ये चार रिंग बचा है और इस रिंग में इधर का बॉन्ड टूटा था, इधर का बॉन्ड टूटा था, ये OH ऐसे है जैसे था सिमिलर, इधर का बॉन्ड टूटा, इधर का बॉन्ड टूटा और इसकी जगह क्या लग गया है CH2। ठीक, यहाँ से बॉन्ड टूटा था, यहाँ से बॉन्ड टूटा था, इसकी जगह, और एक हमारे पास जो इधर वाला फिनॉल है, इधर वाला फिनॉल है और एक इधर फिनॉल है, ये OH हो गया, यहाँ से बॉन्ड टूटा था, यहाँ से टूटा, इसकी जगह पर क्या लग जाएगा CH2, इसकी जगह पर क्या लग जाएगा CH2 और यहाँ से क्या लग जाएगा CH2। ये हमारा क्या फॉर्मेशन हो गया, ये बेकेलाइट, ये बन गया बेकेलाइट का निर्माण होगा।
इसे हम क्या बोलेंगे, बैकेलाइट बोलेंगे, या इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, लेडरर मानसे अभिक्रिया, लेडरर मानसे अभिक्रिया, लेडरर मानसे अभिक्रिया, नोट कर लेना इसे, लेडरर मानसे अभिक्रिया। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, एक थैलिक अभिक्रिया, उनके बारे में देखते हैं। चलो अगले नंबर पे चलते हैं, थैलिन अभिक्रिया। इनके बारे में देखते हैं, थैलिन अभिक्रिया, इसमें थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया जब हम फिनॉल के साथ कराते हैं तो फिनॉफ्थलीन का फॉर्मेशन होता है, फिनॉफ्थलीन, थैलिक एनहाइड्राइड, इसमें थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया को जब हम फिनॉल के साथ कराएंगे किस तरह से होगा देख लो। हमारे पास थैलिक एसिड है, ये हमारा थैलिक एसिड है, ये OH यहाँ पे, ये कार्बन C डबल बॉन्ड O, ये हो गया OH हो गया, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH हो गया, यहाँ से ये थैलिक एसिड है। इस थैलिक एसिड से ये OH और H H2O निकल जाएगा, और जब ये H2O निकल जाएगा ये इस फॉर्म में बना लेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन हो गया, ये क्या बन गया, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, ये बना लिया थैलिक एनहाइड्राइड। अब करना क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया को किसके साथ कराना है, फिनॉल के साथ कराना है। चलो देखना, थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया को फिनॉल के साथ, तो थैलिक एनहाइड्राइड क्या था, थोड़ा इसको मिटा दें, फिर ये ऑक्सीजन है, थैलिक एनहाइड्राइड क्या है भाई देखना, ये हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया, थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया फिनॉल के साथ, फिनॉल हमारा क्या है, ये प्लस, ये हमारा क्या है, फिनॉल है, फिनॉल के दो अणुओं के साथ कराएंगे, जब फिनॉल के दो अणु के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं, ये फिनॉल हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो फिनॉल के दो अणुओं के साथ थैलिक एनहाइड्राइड ये फिनॉल है इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन इस दोनों हाइड्रोजन के साथ मिलकर के H2O के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, और प्रोडक्ट क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाएगा, ये हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, ये O है, इधर C है, इधर O है, ये डबल बॉन्ड टूटा है, डबल बॉन्ड टूटा है, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, ये क्या जुड़ जाएगा, ये बना लेगा फिनॉल से जुड़ा था, ये हो गया और ये बना लेगा फिनॉल से जुड़ के, ये फॉर्मेशन क्या किया है, फिनॉफ्थलीन का फॉर्मेशन करेगा, ये फिनॉफ्थलीन का फॉर्मेशन कर गया, फिनॉफ्थलीन, फिनॉफ ऐसे लिख लेना, फिनॉल्फ्थलीन अंग्रेजी PHENO, अरे भाई फिनॉल्फ्थलीन का निर्माण करेगा। फिनॉल्फ्थलीन क्या है, यह सूचक का काम करता है, इंडिकेटर होते हैं यह, इंडिकेटर ठीक है, इंडिकेटर जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं ये इंडिकेटर कहलाते हैं, तो यह फिनॉल एसिड और बेस की पहचान करेगा, तो यहाँ से हो गया ये थैलिन अभिक्रिया, नोट कर लेना इसे। तो यहाँ से हमारी
लगभग जितनी भी अभिक्रियाएं थीं बेंजीन रिंग की, ये सभी अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई हैं। और इन अभिक्रियाओं, ये सभी जितनी भी अभिक्रिया थी सभी को याद कर लेना, सभी इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। और इसके बाद फिर लास्ट में उपयोग आता है कि इस फिनॉल के क्या क्या उपयोग थे। तो इस फिनॉल के उपयोग में हमारा नॉर्मली है, फिनॉल के उपयोग में हम कहेंगे कि इसका उपयोग औषधि के निर्माण में करते हैं, और इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में करते हैं जिसे हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं, इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं, और कार्बनिक यौगिक बनाने के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ये लगभग 3-4 इसके उपयोग हुए थे। तो यहाँ से उपयोग को भी नोट कर लेना और इसको रिवीजन कर लेना, अच्छे से रिवीजन करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अभिक्रियाएँ लगभग पूछी जाती हैं। और ये था फिनॉल, फिनॉल लगभग ख़त्म हो चुका है। इसमें जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। जिस टॉपिक पे नहीं समझ में आया उस टॉपिक को कमेंट करना, फिर से समझाएंगे और अच्छे से रिवीजन करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।